हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रेडिएंट क्लासेस में स्वागत है। इंटरमीडिएट के सभी स्टूडेंटों को आज हम पोइम वन का सेंट्रल आइडिया बताएंगे। स्टूडेंट, आपको सभी को पता हो कि बोर्ड के अंदर ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये इस वर्ष शायद 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा। तो आप सभी के लिए सेंट्रल आइडिया को बहुत अच्छे से बेस्ट हैंड राइटिंग में, बहुत अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना है, बड़ा बड़ा लिखना है, हाफ पेज के आसपास तक आ जाए। आपको 7-8 लाइन में लिखना है, तो 7-8 मार्क्स का जब क्वेश्चन होता है तो थोड़ा उसका नंबर ऑफ वर्ड्स भी देखे जाते हैं। तो आप सभी के लिए मैं करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का सेंट्रल आइडिया बाय सर हेनरी वॉटन के द्वारा हिंदी के साथ ही बताऊंगा, तो हिंदी पर भी विशेष ध्यान रहें और समझें, ट्रांसलेट के आधार पर ही करा रहा हूँ। तो सभी स्टूडेंट्स देखेंगे बच्चों, जैसे सेंट्रल आइडिया, अकॉर्डिंग टू सर हेनरी वॉटन, अकॉर्डिंग टू सर हेनरी वॉटन, वही व्यक्ति खुश है जो दूसरों की इच्छा के अधीन नहीं होता है। ए मैन इज हैप्पी इफ ही इज नॉट सब्जेक्ट टू अनदर्स विल। Another's will, will कहते हैं बच्चों किसको? इच्छा को। ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र, सच्चा एवं ईमानदार होता है। ऐसा व्यक्ति की अंग्रेजी लगाएंगे such a man। ऐसा व्यक्ति क्या होता है? स्वतंत्र, independent, स्वतंत्र, सच्चा, ट्रूथफुल, सच्चा को ट्रूथफुल बोलते हैं, एंड ईमानदार होता है, ऑनेस्ट। ये वह अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं होता है। गुलाम की अंग्रेजी ही इज नॉट स्लेव कहते हैं गुलाम, ऑफ हिज पैशंस अर्थात भावनाओं का गुलाम नहीं होता है। वह मृत्यु एवं सार्वजनिक आलोचनाओं से नहीं डरता है, मृत्यु और पब्लिक के द्वारा की गई क्रिटिसिज्म से नहीं डरता है। तो फिर क्या लिखेंगे? ही इज नॉट एफ्रेड ऑफ, भयभीत नहीं होता है, अफ्रेड ऑफ किससे? मृत्यु से, डेथ, एंड सार्वजनिक आलोचनाएं, एंड पब्लिक क्रिटिसिज्म कहते हैं बच्चों आलोचनाओं का कि अंग्रेजी क्रिटिसिज्म। वह वही करता है जो उसकी अंतरात्मा कहती है। ही डज द वर्क, ही डज द वर्क, वह वही काम करता है एज हिज अंतरात्मा कंसाइंस सेज। वह वही करता है बच्चों जो उसकी अंतरात्मा कहती है। अब इसके बाद हम उसकी और कौन सी क्वालिटी होती है? वह ईश्वर की प्रार्थना, उसका आशीर्वाद लेने के लिए ही नहीं करता है, बल्कि सांसारिक सुख सुविधाओं, उसका वह ईश्वर की प्रार्थना उसका आशीर्वाद लेने के लिए करता है, ना कि सांसारिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए। अर्थात ही प्रेज टू गॉड फॉर हिज ईश्वर के लिए है, तो एच कैपिटल बनाएंगे, फॉर हिज ब्लेसिंग्स,
नॉट फॉर वर्ल्डली सांसारिक वर्ल्डली सुख सुविधाएं कहते हैं पजेशंस, वह ईश्वर की उपासना उसके आशीर्वाद के लिए करता है, ना कि सांसारिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए। वह अपना समय अच्छी पुस्तकों और मित्रों की संगति में व्यतीत करता है। He spends his time in the company of good friends and books, अच्छी पुस्तकों की संगति में और मित्रों की संगति में बच्चों वह अपना समय व्यतीत करता है। शुभ और दुख को समान रूप से लेता है, उसके लिए सुख दुख समान होते हैं। For him, joys and sorrows, are alike कहते हैं बच्चों, समान है, समान रूप से लेता है। वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। He does not harm कहते हैं हानि पहुंचाना, harm others, दूसरों को कभी हानि नहीं पहुंचाता है। उसमें आत्मसंयम होता है। He has self-control, उसमें आत्मसंयम होता है। And is satisfied, और संतुष्ट होता है, जो कुछ भी उसके पास है वह उसी से संतुष्ट रहता है। And is satisfied with what he has, अर्थात जो उसके पास है उसी से संतुष्ट रहता है। देखिए मैंने खूब अच्छा बड़ा सा आपको हिंदी के साथ, इसका हिंदी रूपांतरण के साथ भी मैंने साथ साथ बोला है। आप इसको बार बार देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और इतना कम से कम आपको बोर्ड में अवश्य लिखना है, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स आए। राइटिंग बहुत अच्छा सा लिखेंगे और आप सभी इस चैनल पर जो भी वीडियो देखा जा रहे हैं उनके सबके नोट्स बनाएं तो मेरी ओपिनियन में बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आप वीडियोज को देख करके नोट्स बनाएंगे और एग्जाम में आप उतारेंगे तो बेस्ट मार्क्स आपको 90 से अबव मार्क्स आएंगे। और यहीं पर मेरा माय लेक्चर इज ओवर फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल द स्टूडेंट्स। हैव अ गुड डे। गुड बाय।